पहचान नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। अगर आज मेरा पति मर गया तो फिर हम सबका जीवन बेकार हो जाएगा, छोड़ दो मेरे पति को। तो भगवान कन्हैया ने कालिया नाम की नथ को पिचका करके कालिया नाम को नोथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब कालिया नाम को न था तो भगवान ने आज कालिया नाम को छोड़ दिया। कालिया नाम ने भगवान से क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद में कालिया नाम भगवान की शरण में आकर के बोला, नाथ मेरे लिए कोई सेवा है? तो भगवान ने जवाब दिया, सेवा एक है, पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आ। सो कालिया नाम गेंद ढूंढ के ले आओ। बोले और कोई सेवा? भगवान बोले अब सेवा जाए क्या, तू अपने फन पे बैठार के हमें ऊपर लेवाए चल। सो कालिया नांग ने फन फैला दिया, भगवान उस फन पर सवार हो करके आज बंसी बजा करके और नृत्य करते हुए जल से ऊपर आने लगे। और कैसे आए प्रभु? हाँ हाँ जरूर बोली गोविंद भगवान की। बोली राधा रानी सरकार की। आज महाराज भगवान कन्हैया जो हैं वो कालिया नंगे फन पर सवार होकर के चले और नृत्य करते हुए बंसी बजाते हुए जा रहे हो। कैसे जा रहे हैं कन्हैया नंगे? अच्छा जब बताओ गुस्सा उस्सा तो नहीं आता ना गन बम पे? पक्की बात आप तो ठीक भगवान कन्हैया जो है वो कालिया नांग के फन पर सवार होकर के जल से ऊपर आए। जब जल से ऊपर आए तो आने के बाद में भगवान कन्हैया को यशोदा ने देखा, अपने कलेजे से लगा लिया, लाला तुम मुझे छोड़ के कौन चलोगे? तो अगर तो कछु हो जातो तो तेरे बिना हम कैसे रहते? तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया मोई कछु ना हो, तुम चिंता ना करो करो। अब कालिया नांग भगवान की शरण में खड़ा है तो कालिया नांग ने जवाब दिया, प्रभु कोई और सेवा?
भगवान बोले पहले दो डलिया कमल के फूल तोड़ के ले आओ। कालिया नाग ने फूल तोड़ करके भगवान को दिए। कोई और सेवा? भगवान बोले अब सेवा चाहे कि तू ये यमुना का स्थान छोड़ करके जहाँ से आया था वही वापस लौट जा। ये कालिया नाग रमणो द्वीप से आया था और यमुना जी में बसा था करके। क्यों? क्योंकि इस कालिया नाग के पीछे महाराज गरुड़ देव पड़े हुए थे। कौन पड़े थे? गरुड़ देव। तो गरुड़ देव के डर की वजह से कालिया नाग जो था वो यमुना जी में रहता था। तो भगवान कन्हैया से कालिया नाग कहने लगा, नाथ तुमने तो कह दी कि हम जे स्थान छोड़ के रमणक द्वीप में चले जाएं, लेकिन प्रभु मेरे पीछे पड़े हैं गरुड़ देव। अगर ये स्थान छोड़ करके हम कहीं और जाएंगे तो वो मुझे मार देंगे। भगवान ने जवाब दिया, मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब कालिया ना वो गरुड़ देव जब ये चरण के चिन्ह देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम चले जाओ। कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया, साथ लेकर के कालिया नाग रमणक द्वीप में आया और आ करके बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगा। अब शंका वाली बात यहाँ ये है, एक बात बताएं, भागवत जी में और रामायण में कदम कदम पर शंका है महाराज। सब जिंदगी निकाल दी और शंका पूरी नहीं हुई भाई। हाँ, यहाँ पर एक शंका वाली बात है। कौन सी? मान लो गरुड़ देव का बैर चलता था कालिया नाग से। विचार करना मेरी बात पर बुजुर्गों, ये बात पता नहीं होगी आप लोगों को। कालिया नाग जो था, कालिया नाग का बैर और गरुड़ देव का बैर चलता था। तो जब उन दोनों की लड़ाई थी तो कालिया नाग जो था, अगर कालिया नाग रमणक द्वीप में रहता तो गरुड़ देव उसे मार डालते, और कहीं रहता तो गरुड़ देव उसे मार देते। लेकिन कालिया नाग को गरुड़ देव यमुना जी में क्यों नहीं मार पा रहे थे? है ना सोचने वाली बात कि गरुड़ देव कालिया नाग को यमुना जी में क्यों नहीं मार पा रहे थे? अगर गरुड़ देव चाहते तो कालिया नाग को यमुना जी में भी मार सकते थे। तो ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से गरुड़ देव कालिया नाग को यमुना जी में नहीं मार पा रहे थे? एक कारण था। कौन सा कारण? गरुड़ देव को श्राप लगा था। क्या लगा था परिचित महाराज? श्राप। किसने दिया था? सोभरी ऋषि ने। सोभरी ऋषि ने गरुड़ देव को श्राप दिया था कि तुम यमुना के किनारे आओगे और यहाँ का जल स्पर्श करोगे उसी समय तुम भस्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये गरुड़ देव नित्य प्रतिदिन यमुना के किनारे आते थे और आ करके मछलियों को खाते थे। तो सोभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे उस समय, तो सोभरी ऋषि ने गरुड़ देव से कहा, तुम यहाँ मछलियां मत खाया करो, यहाँ से लौट जाओ। गरुड़ देव ने एक बात न मानी, सोभरी ऋषि ने महाराज श्राप दे दिया गरुड़ देव को। मोर बचन चाहे पड़ जाए भीका, संत बचन पत्थर की लीका। संत का बचन कभी खाली नहीं जाता। तो सोभरी ऋषि ने श्राप दिया गरुड़ देव को, इस कारण से गरुड़ देव कालिया नाग को नहीं मार पा रहे थे। कालिया नाग आज रमणक द्वीप में जाकर के रहने लगा बड़े हर्षोल्लास के साथ। भगवान लौट करके आए, भगवान ने आज कमल के पुष्प कंस के पास में भिजवाए और भगवान वृंदावन में रह करके अनेक लीलाएं करने लगे। और इसी बीच में 100 रुपए सुरेश सिंह यादव लेखपाल लालपुर से, लालपुर लालपुर विधुना, इनकी तरफ से 100 रुपए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएंगे। और 100 रुपए अखिलेश यादव लालपुर से, इनकी तरफ से भी आए हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रही, भगवान से कम नहीं आराधना है। बोली राधा रानी सरकार की। आज भगवान कन्हैया जो है वो महाराज वृंदावन में रह करके अनेक लीलाएं कर रहे। एक समय की बात परीक्षित महाराज कि भगवान कन्हैया ने वृंदावन में देखा, कार्तिक का महीना आया। और जब कार्तिक का महीना आया तो भगवान कन्हैया ने वृंदावन में देखा कि वृंदावन के लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं और जोन से घर में घुस जाओ, घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जा रहे। भगवान चले यशोदा के पास, वे पहुंचे तो यशोदा रसोई में मुंह बांध के महाराज भोजन बनाए रही थी। और जब भोजन बना रही थी तो यशोदा ने, भगवान कन्हैया ने
रसोई में घुसने का प्रयास किया। और जब रसोई में घुसने का प्रयास किया तो यशोदा बोली लाला बाहर ही खड़ो रहिए, भीतर मत आइए। तो भगवान बोले मैया काय भीतर काय ना आवे। तो यशोदा चुपचाप हो गई और मुंह से पट्टी बांध करके भोजन बनाती जा रही बनाती जा रही। अब भगवान कन्हैया चौखट पकड़ के खड़े। भगवान कन्हैया ने यशोदा से कही मैया जब बता आज हमने पूरे वृंदावन में घूम के देखो का देखो, पूरे वृंदावन में सब नए नए कपड़ा पहने वस्त्र पहने और जोन से घर में घुस जाओ, घर में सब पकवान बना रहे व्यंजन बना रहे नाना प्रकार के। मैया का हमारे वृंदावन में कोई आए रहो है या हमारे वृंदावन में कोई उत्सव है कोई त्योहार है का है हमारे वृंदावन में। तो मैया यशोदा तो चुप रही। अच्छा ये जहाँ यहाँ पर जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं मैया तुम बैठी ठीक। पहले के जमाने में तुम्हारे जमाने में एक बात मेरी ध्यान रखना, स्त्रियां जब भोजन बनाती थी तो बड़ी ही पवित्रता के साथ में भोजन बनाती थी कि नहीं। हमने तो यहाँ तक देखा कि आज भी कई कई प्रथा ये है कि स्त्रियां जब रसोई में भोजन बनाती हैं तो मुंह में पट्टी बांध करके भोजन बनाती हैं। क्या बांध के? मुंह पे पट्टी बांध के। क्यों? क्योंकि महाराज ऐसा माना जाता है कि जब एक स्त्री भोजन बनाती है, ध्यान से सुन लेना मेरी माँ ठीक है, सुन लियो आराम से कान खोल के। हाँ ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्री जो होती है वो अन्नपूर्णा होती है, होती है कि नहीं बताओ। घर की स्त्री जो होती है वो अन्नपूर्णा मानी जाती है। तो पहले की स्त्रियां जब भोजन बनाती थी तो सबसे पहले महाराज बिना नहाए धोए रसोई में प्रवेश नहीं करती थी, सही बात है। हाँ पहले की स्त्रियां बिना नहाए धोए महाराज रसोई में प्रवेश नहीं करती थी और आजकल तो आंखें मीचती जा रही चाय बनाती जा रही। हाँ आजकल तो ऐसा सिस्टम है बताओ भैया, सही बात है। आंखें मीचती जा रही चाय बनाती जा रही और बच्चा उनके खटिया पे तो उठ नहीं पा तो बच्चा हुआ के मीजत जा रहा मम्मी चाय बनी कलम बनी सब आवाज देती हम बनी अभियान लेके आ रही सब बिस्तर से उठ नहीं पा तुम्हारा चाय दे देती जाएगी। अब देखिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे भोजन वैसा ही आपका मन बन जाएगा, वैसी आपकी स्थिति बन जाएगी। पहले की स्त्रियां स्वच्छता के साथ भोजन बनाती थी मुख में पट्टी बांध करके, क्योंकि जो हम लोग भोजन बनाते हैं ना उसी भोजन का भोग लगाते हैं प्रभु को। और जब हम लोग भोजन बनाते समय बोलते हैं ना तो ये हमारे मुख की जो भाप होती है वो भोजन के अंदर जाती है तो भोजन झूठा हो जाता है और जब झूठा हो जाता है तो वो भोग लगाने के काबिल नहीं रहता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि स्त्री भोजन बनाते समय बात नहीं करती थी और आज के जमाने में तो उठी नहीं और सीधी रसोई में घुसी है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। और एक बात हमने एक माताओं के अंदर देखी है, एक बात देखी है कि भोजन बनाती जाइए और इनको मन नहीं हुई है तो कहूँ महाराज कंछली पटके कहूँ चिमटा पटके कहूँ कछु करी कहूँ कछु करी आप दुश्मन तो मैं रोटी बनाए बनाए खवाए थे ऐसे काती। एक बात ध्यान रखना अगर आप क्रोध के साथ में भोजन बनाओगी तो भोजन जब आपके बच्चे खाएंगे तो वो भी चिड़चिड़े हो जाएंगे उनके अंदर भी क्रोध पहुंच जाएगा। तो मेरी माँ सबसे पहले क्या करना चाहिए स्त्री को, क्योंकि स्त्री के ही हाथ में होता है घर को स्वर्ग बनाना और स्त्री के ही हाथ में होता है घर को नरक बनाना। ये बात मेरी ध्यान रखना सबसे पहले नहा धो करके रसोई में प्रवेश करना चाहिए और ज्यादा नहीं तो मुख से राम 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 मन ही मन में कहती रहो। तो अगर तुम मुख से राम राम कह करके भोजन बनाओगी तो वो भी प्रसाद बन जाएगा और जब प्रसाद बनेगा तो आपके बच्चे जब खाएंगे तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी ठीक है मेरी माँ। बात समझ में आई गई मेरी है? नहाए धोए के जाइयो रसोई में ठीक को जाइए बता। अच्छा बिना आना आना को जाते तो रसोई में सही बताओ ईमानदारी तो मम्मी के सम होए सही सही बताओ। तो
कही अम्मा है नहीं, देखो तवही तुम नहीं हाथ उठाए रही, कही अम्मा तो चली गई है भाई, तो आए नहीं लौटे। देखिए सभी माताओं को हमने बता दिया है कि स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री घर की अन्नपूर्णा होती है, तो इसलिए आपको ही अपने घर को संभालना होगा, कोई बाहर वाले ना आइए संवारन, ठीक है मेरी माँ। हाँ बोलिए गोविंद भगवान ने की। और इस बीच में ये 31 रुपए मोनू ठाकुर महिंद्रा ट्रैक्टर वाले इनकी तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। आ जाओ मोनू, आ जाओ, आ जाओ मोनू, की फरमाइश है।